Good evening, students. Welcome to Redison Roots Online Classes from Redison the School, Java. I am Shalini here, class teacher of second with your EVS subject. So, in EVS subject, we are doing third chapter, Growing Older. What we have completed in this chapter: reading and explanation and difficult words. These two points we have completed. Now today we are going to write question answer of third chapter. थर्ड चैप्टर चैप्टर थ्री ग्रोइंगू है फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन वट अ चाइल्ड कैन नॉट डू वेन ही इज बॉर्न एक बच्चा क्या नहीं कर सकता जब वो पैदा होता है अ चाइल्ड कैन नॉट से वॉक और टॉक जब बच्चा पैदा होता है ना वो बैठ पाता है ना चल पाता है ना बात कर पाता है नंबर टू डज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो क्या सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं यस ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो क्वेश्चन थ्री हाउ अली वॉज वेन ही बिकेम अ चाइल्ड जब अली न्यू बोर्न बेबी से चाइल्ड बना था तो वो कैसा था अली वॉज टॉल एंड स्ट्रांग वेन ही बिकेम अ चाइल्ड जब वो चाइल्ड हुआ तो वो टॉल एंड स्ट्रांग हो गया वट अली यूज टू डू वेन ही वॉज बॉर्न अली क्या करता था जब वो पैदा हुआ था अली यूज टू स्लेप्ट अ लॉट एंड क्राइड समटाइम वो बहुत सोता था और रोता रहता था हाउ मेनी कैंडल्स डज योर बर्थडे केक हैव इन दिस ईयर आपके बर्थडे केक पे इस साल कितनी कैंडल्स रहेंगी ये आपको खुद लिखना है जस्ट बिकॉज आपको अपनी एज खुद पता है कि आप कितने इयर्स के हो जाओगे तो जितने इयर्स के होगे उतनी कैंडल्स लगेंगी तो हे यू विल राइट योर इयर्स मतलब जब जितने साल के आप हो जाओगे उतनी कैंडल्स आप लगाओगे दिस वॉज योर क्लास वर्क नाउ योर होमवर्क इज लर्न क्वेश्चन आंसर फ्रॉम नोटबुक आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं एंड देन याद करने हैं Thank you class and have a nice day.